दोस्तों, मैं हूं महेश और आप देख रहे हो गुजराती बर्ड लवर चैनल। बर्ड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं जो अपने केज में दो पैर लगाया था, अपने दो पैर जो एक पुराना पैर है उसमें पांच अंडे में से जो बच्चा निकला था वो वीडियो बनाया था, और उसके बगल में दो तीन दिन बाद अपने जो दूसरा बजिश ला के रखा था उसका डिटेल में देने वाला हूँ। और फाइनली जो मैंने गलतियाँ की है वो आप भी नहीं करना, इसलिए फाइनली मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आगे आपको बहुत जानकारी मिलने वाला है, क्योंकि बजरी तोते जोड़ा लगने के बाद भी अंडे क्यों नहीं देते वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो अब मैं डिटेल फाइनली पहले केज में जो दिखाया था पहली मटकी में जो उसमें से पांच अंडे थे, पहले दिन का बच्चा का वीडियो बनाने का आज वीडियो का दिन हुआ है। पांच दिन में मटकी में आपको दिखाऊंगा कि दूसरा अंडा तोड़ के दूसरा बच्चा निकला है या नहीं निकला, वो भी मैंने आज तक नहीं देखा है। और आपको फाइनली पहली बार दिखाने जा रहा हूँ कि पांच अंडे में से कितने बच्चे निकाले हैं। और उसके बगल में जो नया पैर ला के रखा था उसने ब्रीडिंग अभी तक नहीं की, और क्यों नहीं की वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैंने ही जो गलती किया है वो जोड़े के साथ में एक पट्ठा और रख दिया, और वो पट्ठा उसका मेल फीमेल था, उसका पेयरिंग नहीं होने दिया, इसलिए उसने आज तक अंडे नहीं दिए, इसलिए अपना पूरा हफ्ता वेस्ट निकाला। ऐसी गलती आप भी मत करना। और फाइनली उसको मैं क्या क्या खाने देता हूँ, इस टाइम पे मैंने क्या खाना दिया है वो भी दिखाता हूँ। तो फाइनली आज एक नया एक्सपीरियंस किया है मैंने, उसको कड़ी पत्ता, मतलब कि जो मीठा नीम होता है कड़ी पत्ता जो अपने सब्जी में यूज करते हैं, वो मैंने खाने को दिया, वो भी उसने आज खाना खा लिया। बाकी तो मैं हरी धनिया और मेथी पालक वो सब्जी भाजी देता हूँ, और सॉफ्ट फूड में उबला हुआ चावल, उबला दाल और भीगा हुआ गेहूं भी देता हूँ, और कंटिन्यू जो दाना देता हूँ वो कंगनी देता हूँ और सीड मिक्स देता हूँ। तो मेरे साथ जो आपने डाइट फॉलो की है और अपने बजिश को भी डाइट फॉलो करवाई है, अगर ब्रीडिंग नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आपका एक गलती होगा जो अपने केज के लायक गलती होगा या केज के अदर कोई गलती होगा तभी नहीं होगा। बाकी जोड़ा लगने के बाद अगर एग्स नहीं निकलता है, अंडे पे नहीं आती है, ब्रीडिंग पे नहीं आती है मेल फीमेल, तो अपना ही गलती मानेंगे, क्योंकि अपने जो मैंने आज गलती किया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो मेरे साथ बने रहिए, अब सीधा पिंजरे में जाएंगे, कैमरा पिंजरे के अंदर ले जाएंगे और मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने गलती किया और ब्रीडिंग रुक गया, अंडे भी नहीं रखा और जोड़ा लगा हुआ जोड़ा अपना कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ वो मैं चलो आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं केज के सामने, आपके सामने मैं केज खोलूंगा और पांच दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसकी डिटेल लेंगे। पांच दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें अंडे में से बच्चा एक निकला था, पांच अंडे में से एक बच्चा निकाला था, वो बच्चा कितना बड़ा हुआ है और दूसरा बच्चा निकला है कि नहीं निकला है वो भी देखेंगे। तो सीधा चलते हैं अब पिंजरे के अंदर। तो दोस्तों हम आ गए हैं पिंजरे के अंदर और आप वीडियो में देख रहे हो कि जो फीमेल बैठी है बच्चों पे उसने फाइनली पांच बच्चों में से दो बच्चे निकाल लिए हैं। ये बच्चा है पांच दिन का हो गया, ये दो दिन का हो गया और बाकी तीन अंडे बाकी है। आगे देखते हैं कि बच्चे निकलते हैं या फीमेल जो होती है कैंसिल रखती है या तो अंडे बिगाड़ देगी, वो हम जरूर आपको अपडेट देंगे। पर ये वीडियो देखने के बाद अपना एक ही केज का ब्रीडिंग जो लेने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करके चैनल को सपोर्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में जो नया वीडियो डालू उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और मैं फाइनली आगे बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ, सॉफ्ट फूड के बारे में वीडियो बनाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि मैं क्या क्या खाना देता हूँ क्या नहीं देता हूँ, उसकी देखभाल कैसे करता हूँ। तो ये रहा आपके सामने 10 दिन का बच्चा, 8 दिन का बच्चा, और उसके बगल में जो है वो बच्चा है 3 दिन का। तो मानो कि इतना दिन में जो बच्चे का पर निकलना चालू हो गया है आपने देखा होगा, और तीन अंडे बाकी है। तो फाइनली दोस्तों ये मटकी की अपने डिटेल देख ली, अब सीधा जाएंगे ये मटकी में कि ये मटकी में क्या प्रोग्रेस हुआ है और मैंने जो गलती किया है वो क्या कर दिया था, ताकि जो ये जोड़ा लगा हुआ है और लगा हुआ जोड़े ने जो अंडा नहीं दिया वो आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, सीधा हम जाएंगे मटकी के अंदर और क्या प्रोग्रेस चल रही है वो देख लेंगे। जो मैंने गलती की थी वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो जोड़ा लगा हुआ था उसके साथ में एक ही केज में मैंने ये पट्ठा रख दिया था, ब्लू कलर का पट्ठा देख रहे हो,
और फीमेल फाइनली मटकी में जा चुकी है, लेकिन जो ये पट्ठा उनको परेशान करता रहता है पूरा दिन और पट्ठे की वजह से वो अंडे नहीं देती है। तो आप भी बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ये उसका मेल बैठा है कोने में ऊपर और जो मेल है वो बाहर बैठा है, फीमेल अंदर है, अंदर से देख रहे हो आप मटकी में फीमेल है और ये रहा पट्ठा। तो पट्ठा अंदर एक ही केज में रखने की वजह से अपना जो ब्रीडिंग का टाइम है वो लंबा गया और अपने को रिजल्ट नहीं मिला। तो अब मैं उसको निकाल लूँगा और एक अलग सेपरेट केज में रख दूँगा। तो यही रीज़न था कि अपना जो लगा हुआ जोड़ा और ब्रीडिंग लेट होने का कारण यही था। तो ये पट्ठा फाइनली मेरे केज में क्या है कि इनका जो साथी था वो उड़ गया है और दो दो कपल, जो दो दो मेल फीमेल था वो रुक गए, इसलिए यही पट्ठे की वजह से ब्रीडिंग रुक गया अपना। दोस्तों अपना सीड मिक्स का फॉर्मूला अच्छा लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपने क्या क्या डाला है। और नीम का पत्ता भी है, हफ्ते में एक दो बार नीम का पत्ता देता हूँ, हरी धनिया और पालक सब्जी और मेथी का भी उसको चाहिए। तो ये आ गया अपना सॉफ्ट फूड, ये आ गया रेगुलर कंगनी वाला मिक्सिंग और ये है उसके लिए आज के लिए स्पेशल कड़ी पत्ता, ये सब उसको खाने मिलता रहता है। फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में हमने बता दिया कि हमने सेपरेट केज रखे उसको उसमें अंदर पट्ठा रखा, वो भी गलती किया, उसकी वजह से ब्रीडिंग लेट हुई। और पहले वाला जो वीडियो बनाया था एक दिन का बच्चा वाला, वो वीडियो में आपने देखा कि दो बच्चे आ चुके हैं और दोनों बच्चों का वीडियो भी दिखा दिया और मैं खाना क्या क्या देता हूँ, सॉफ्ट फूड में क्या देता हूँ और उसको जो कंगनी मिक्सिंग है वो भी दिखा दिया। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना दोस्तों। और तब तक के लिए छुट्टी लेते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।